श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री महात्मा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज बसंत पंचमी का विशेष पर्व है और आप सभी को पता होना चाहिए, आपको आज के दिन शिवलिंग पर सरसों के फूल अर्पित करके महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर आपको 108 पुष्प अर्पित करना चाहिए होता है। बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए आज आप उनके हाथों से 31 सरसों के पुष्प जरूर अर्पित करवाइए। 15 फरवरी है गुप्त नवरात्रि का एक विशेष उपाय, आप कल के दिन करके अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती से कह सकते हैं। उपाय बिल्कुल नया है, गुरुजी का बताया गया है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 14 फरवरी कुशीनगर में श्री महात्मा शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पदरोपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किन्हीं कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, आज क्या है? बसंत पंचमी। ये दिन आज हम माता सरस्वती के प्राकुटसव के रूप में मना ही रहे हैं, पर आज के ही दिन पुलवामा में भी शहीद हुए थे, उन्हें भी याद किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। माता सरस्वती को स्वर देने वाला कौन है, विद्या देने वाला कौन है? तो वो देवाधिदेव महादेव हैं, जो नटराज के रूप में उन्हें विद्या और स्वर प्रदान किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कुशीनगर में जजमान का आभार व्यक्त करते हुए गुरुजी ने कहा कि हमने बहुत शिव महाप्राण की है, कई शिव महाप्राण कथाओं के बीच में बसंत पंचमी आती है, पर आज ये पहली शिव महाप्राण कथा ऐसी है जो कि कुशीनगर में चल रही है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो रही है और शिव महाप्राण की कथा कहती है। शिव महाप्राण की शुरुआत यदि बसंत पंचमी से होती है, या कोई भी पुराण की शुरुआत बसंत पंचमी से हम करते हैं, जो उस पुराण को श्रवण करता है उसका जीवन खुशियों में डूब जाता है, उसके जीवन में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अमित श्रीवास्तव जी पत्र लेकर आए। मेरी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, उसके शरीर में बहुत बड़ी गांठ हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से गांठ सही नहीं थी, ऑपरेशन होगा और जांच के लिए बाहर जाएगी। मेरी बहन आपकी कथा सुनती है, पर हमने कथा नहीं सुनी थी, ना ही विश्वास था ना ही भरोसा था। उस कथा में आपने पीली सरसों का उपाय बताया था, वो हमने किया। हमने सोचा कि क्या 5 रुपए के सरसों से भगवान खुश हो सकते हैं, लोग ठीक हो सकते हैं? दूसरी बार मैंने पत्नी का वापस अल्ट्रासाउंड कराए तो डॉक्टर ने कह दिया गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। अर्चना मिश्रा जी पत्र लेकर आई। 2023 में पता चला मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है। ऐसा सुनते से ही मेरे पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई और कैंसर भी ऐसी जगह हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कह दिया 3rd स्टेज का कैंसर है और 4th स्टेज की ओर अग्रसर है, शायद ही बच सको। भोलेनाथ का नाम लेते हुए हमने दवाइयाँ लेकर तो आ गए और हमने दवाइयाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू की। इसके बाद दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही थी तो मैंने शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र भी खाना शुरू किया। इसके बाद और तबीयत खराब हो गई और मुझे ICU में रखा गया, जहाँ पर मुझे शिवलिंग पर चढ़ा जल दे दिया गया। हमें पता नहीं चल पा रहा था कि हम ICU में क्यों आए हैं, पर जब ICU से ठीक होकर घर आए, इसके बाद फिर से जांच कराई तो मेरा कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में अगर पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। जो जैसा है वैसा ही दिखे, उसी में सार्थकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। उनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो भले ही तिलक ना लगाए, वेशभूषा वैसी ना पहने, पर साधारण और सरल जीवन का यापन करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। जितेंद्र संतोषी देवी जी पत्र लेकर आए। मेरे पैर में गठान हो गई थी, लखनऊ के डॉक्टर को दिखाया तो बोन ट्यूमर बता दिया गया, और डॉक्टर ने कहा गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी और गठान के आसपास की जगह की हड्डी गलने लगेगी। 2020 पूरा इसी जांची जांच में निकल गया, पर गठान ठीक नहीं हुई। 2021 में मेरी बेटी ने टीवी में कथा लगा दी, जिसमें मेरा मन लग गया और आपके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया
मेरी बेटी मेरे लिए रोज जल बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगी। इसके कुछ दिन बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया गांठ नहीं है और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बोलते हैं। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं? मेरे पति की तबीयत खराब हुई और जांच से पता चला फेफड़े के अंदर गांठ हो गई है और पूरे लक्षण बड़ी बीमारी के बता दिए। खूब रोती थी। मेरे पति से कहा मुझे एक बार सीहोर जाना है और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से निवेदन कर लिया। हमने एक महीने लगातार सीहोर कर रुद्राक्ष का जल का आचमन किया और बाबा ने मेरे पति को बचा लिया। मेरे पति अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। पूजा महेशिया जी पत्र लेकर आई। मेरी मम्मी को पित्त की थैली में 6 से 7 पथरी हो गई थी और बड़ी तकलीफ होती थी। हमने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल देना शुरू किया और जब आप कहते हैं सफ़ेद दूर्वा का उपयोग करो, वो भी हमने की और बाबा की कृपा से हमने दूसरी बार जब जांच कराई तो पित्त की थैली की गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने विनम्रता से खुशीनगर के जजमान से एक निवेदन किया कि कथा के दौरान पंडाल के अंदर आकर गुड़िया के बाल, चिप्स, पॉपकॉर्न, कुरकुरे, चाय बेचने वालों पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है। थोड़ा अनुशासन पर ध्यान दिया जाए। कथा के बाद जिसको जो जितना बेचना है वो बेच सकता है। गुरुजी द्वारा ऐसी बात आज से पहले कभी नहीं कही गई। शायद पहले कभी कहीं पर ऐसा हुआ नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की ये कथा जो 14 फरवरी से स्टार्ट हुई है, ये 20 तारीख तक मतलब 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 25 फरवरी से फिर स्टार्ट हो जाएगी। 25 फरवरी से 2 मास तक सिरसा हरियाणा में रहेगी और इसके बाद गुरुजी की एक दिवसीय शिव महापुराण कथा मुंगेली राजिम में 4 मार्च को रहेगी और इसके बाद सीधा 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जो कि सीहोर में रहेगा। हर साल महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यह रुद्राक्ष महोत्सव किया जाता है और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 19 मार्च से 23 मार्च रेवड़ी हरियाणा में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अभी कल की कथा में एक उपाय बताया था जो कि मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय है। इस गुप्त नवरात्रि में आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि के 5 दिन हुए हैं, अभी 4 दिन बाकी हैं। इन दिनों में भी आप गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला ये विशेष उपाय कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में किया जाता है जो कि अभी चल रही है। वर्णन किया है, अगर हमारे घर में 2 शिवलिंग है और यदि 2 शिवलिंग नहीं है तो हमारे घर के बगीचे में आपको 2 शिवलिंग बना लेना है। यदि आप बगीचे में नहीं तो गमले में घर के आप किसी भी गमले में का निर्माण कर लीजिए जिसमें आपको जलाधारी भी बनानी है। और यदि आप 2 पार्थिव शिवलिंग जलाधारी सहित नहीं बना सकते हैं तो 1 शिवलिंग आप जलाधारी वाली बना लीजिए और 1 लिंगनुमा आकृति बना लीजिए जो कि माता पार्वती का स्वरूप है, देवी का स्वरूप रूप में। इसके बाद दोनों की आपको पूजन अर्चना करना है। जो जलाधारी वाली शिवलिंग बनाई है आपने, उसमें आपको 5 सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और जो गोल लिंगनुमा आकृति है उसमें आपको 9 लाल पुष्प अर्पित करना है। थोड़ा सा जल का सिंचन कीजिए। चंदन, चावल, अभीर, गुलाल, जो जो आप सामग्री चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए और 1 घी का दीपक लगाइए। पूजन अर्चन करने के बाद शिवलिंग की और सामग्री को आपको विसर्जन कर देना है। आप वही फूल शिवलिंग जो आपने बनाई है वो आपको किसी भी नदी या तालाब में या किसी वृक्ष के नीचे आपको उसका विसर्जन कर देना है। ये मनोकामना पूर्ति का एक विशेष उपाय है जो इस गुप्त नवरात्रि में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आज के इस उपाय से जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।